नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बस का ड्राइवर कैसे बने इसके बारे में हमने कई वीडियो बना करके डाला है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सब कुछ बन जाना लेकिन बस का ड्राइवर बिल्कुल बनने की कोशिश मत करना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं बस के अंदर और बात करेंगे उस्ताद जी से कि कैसे क्या है, बस की ड्राइवरी सीखें या नहीं सीखें। तो उस्ताद पहले आप बताएं कि आप रहने वाले कहां के हैं और क्या नाम है आपका? पन्ना जिला का रहने वाला हूं जी। थाना गुनौर। जी जी जी। गुनौर से 13 किलोमीटर है मेरा गांव। अच्छा। अच्छा जी। नाम है चंदन राजा बुंदेला। वाह वाह। बताते हैं कि ड्राइवर राजा होते हैं? राजा तो वे तो अब अपने आप में बोलते हैं, पहले के राजा राजा ही होते थे, अब वो नहीं है जमाना। अच्छा जी। अब दारू वाले आदमी ज्यादा अधिकतर है। अच्छा अच्छा। दारू वालों की इमेज चलेगी, ड्राइवर राजा कहाँ रहे। तो नए लोग जैसे सीखना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे आप? नए लोगों को यही तो सोच रहे हैं कि कजर ड्राइवरिंग नहीं करेंगे तो देश का विकास भी नहीं होगा। कि अच्छा, अच्छा है? काहे से आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, होता है तो सब ड्राइवरी लोग करते हैं। पर ड्राइवरी वैसे करना चाहिए कि जो भी अपने कंपनी वाहन है, जैसे ट्रक बाजी है, बस बाजी की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, नहीं। थोड़ी थोड़ी सी जरा सी बातों में गाड़ी को आमने सामने भड़ा देते हैं, वो कर देते हैं। अच्छा। तो इसमें से अच्छा नहीं लगता है कि अपन को सलाह दें कि दूसरा आना चाहे। अच्छा, मतलब बस की ड्राइवरी से ट्रक की ड्राइवरी लगभग अच्छी होती है? अच्छी होती है। तो बस में दिक्कत क्या है सर? बस में जो है कि टाइम टू टाइम चलना ही है। अच्छा। उसमें ऐसा है कि रेस्ट बना के चलना है, नव एंट्री में जैसे अपन वो है तो रेस्ट में चाहे जहाँ भी रुक जाए तो। अच्छा। अब इसमें सवारी हो या ना हो जाना तो है ही। अच्छा, रुक नहीं सकती? रुक नहीं सकती है, बारिश हो कुछ भी हो। अच्छा। जाना ही या नहीं जाना। तो उस्ताद एक चीज बताएं, इसमें आप लोगों को वेतन क्या, तनख्वाह क्या मिलती है? तनख्वाह यही 10-12 हजार रुपया, 8 हजार, 10 हजार यही समथिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने में चल जाता है काम आपका? अब नहीं चलता है तो बेरोजगारी तो है तो करते हैं। अच्छा, यही है प्रॉब्लम। पहले से अब में कुछ तनख्वाह में बदलाव हुआ है कि बढ़ी है कि कम हुई? नहीं, पहले चाहे सही था, अब बहुत कम है। ट्रैफिक कम है तो तनख्वाह कम है। अच्छा अच्छा। अब हर लोगों के पास अपनी अपनी चाहे दोपहिया वाहन होगा, 4-व्हीलर है, 2-व्हीलर है, उसी से चले जाते हैं आते हैं, इसलिए ट्रैफिक कम है। पहले नहीं थे जो सब, तो बढ़िया बस चलती थी गाड़ी, पैसा भी मिलता था, मोटर मालक भी खुश, स्टाफ भी खुश। अब का जब मैं यहाँ से आती हूँ वहाँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, स्टाफ को तो मजदूरी चाहिए। लास्ट में लोगों को, नए लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? नए लोगों को भैया मेरी तो यही प्रार्थना है कि ड्राइवरी मत सीखना, बस वाली ड्राइवरी जो देश के लिए करना है तो ट्रक बाजी माल ढोते रहना, पर इसको बस किसी अगले आदमी, नए आदमी को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। आना चाहे तो। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस गाड़ी के ड्राइवर से बातचीत किया, उस्ताद ने आप लोगों को बताया ट्रक की ड्राइवरी कर लेना लेकिन बस की ड्राइवरी बिल्कुल मत करना, और आप लोगों को उन्होंने सलाह दिया कि पहले और आज की बस की ड्राइवरी में बहुत ही अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को हमारी इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और हमेशा आप लोग ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।